हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे दाल बाटी। सबसे पहले हम 1 कप चने की दाल लेंगे और 1/2 कप उड़द की दाल लेंगे। दोनों दालों को 1/2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। जिससे ये फूल जाए। अब कुकर लेंगे अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, पानी डालेंगे। पानी को ज्यादा ऊपर नहीं, दाल के बराबर ही डालेंगे। अब कुकर को बंद करके दाल को पकने देंगे। गैस को हम तेज नहीं, मीडियम पर रखेंगे और कुकर की 3 सीटी लेंगे। अब हम बाटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं। बाटी बनाने के लिए हम 2 कप आटा लेंगे। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो आप आटा ज़्यादा ले सकते हो। कुकर की 1 सीटी आ चुकी है। गैस को हल्की कर लेंगे। कुकर की 2 सीटी भी आ चुकी है। अब आटे में स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच तेल डालकर आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। इसको थोड़ा टाइट गूंथेंगे। कुकर की 3 सीटी आ चुकी हैं। गैस को बंद कर देंगे। आटे को हमने इस तरह से सॉफ्ट रखा है। दाल पक चुकी है। कुकर को साइड से रख देंगे। अब गैस पर पानी उबलने के लिए रखेंगे। अब इसे ढक देंगे और पानी को उबलने देंगे। तब तक हम आटे की लोइयां बना लेते हैं। आप आटे की गोल या लंबी कैसी भी लोइयां बना सकते हो। ध्यान रखें, लोइयां बनाते समय इसमें कोई क्रैक ना आए। आटे की लोइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए, पानी में भी उबाल आ चुकी है।
गैस को कम कर देंगे और एक एक करके आटे की लोइयों को पानी में डाल देंगे। अब इसे ढक देंगे। लोइयों को 10 से 15 मिनट तक टाइट होने तक उबालेंगे। लगभग 15 मिनट हो चुकी हैं। देखिए लोइयां टाइट हो चुकी हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और लोइयों को प्लेट पर निकाल लेंगे। इसको हल्का ठंडा होने देंगे। देखिए लोइयां ठंडी हो चुकी हैं। ध्यान रहे लोइयां एकदम ठंडी नहीं करनी है। आटे की लोइयों को ग्रेट कर लेंगे। देखिए सभी लोइयां अच्छे से ग्रेट हो चुकी हैं। अब इनको इकट्ठा कर लेंगे। इनको इकट्ठा करने में थोड़ी मेहनत और टाइम लगेगा। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। देखिए पूरी जितनी लोइयां तोड़ेंगे लोई को हथेली से चपटाकर और बीच में अंगूठे से इस तरीके से दबाकर बाटी को तैयार करेंगे। इसी तरह सारी बाटी तैयार कर लेंगे। देखिए बाटी बनकर तैयार है। अब हम दाल बनाएंगे। दाल बनाने के लिए हम पैन लेंगे। पैन को गरम करेंगे। अब उसमें 1 बड़ा चम्मच घी, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च , 2 पीस सूखी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अपने हिसाब से मिर्च को ज़्यादा कम कर सकते हो। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से डालने से दाल में अच्छा सा लाल रंग आ जाता है।
अब इसमें 1 कप कटी हुई प्याज डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें ग्राइंड किए हुए 1 कप टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब टमाटर की ग्रेवी को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब इसमें दाल डालेंगे। हम दाल को चेक कर लेंगे। दाल हमारी अगर कच्ची हो तो आप और सीटी ले सकते हो। दाल पक चुकी है तो हम दाल को ग्रेवी में डाल देंगे। अब दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपसे पानी ज्यादा हो जाए तो आप दाल को उबालकर पानी सुखा सकते हो। दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है। मैं 1 छोटा कप हरा धनिया डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बाटी को तल लेंगे। तलने के लिए आप घी या तेल किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर घी लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब उसमें बाटी डालेंगे। अब बाटी को लाल होने तक तलेंगे। बाटी हमारी लाल हो चुकी है। अब हम बाटी को प्लेट में निकाल लेंगे। स्वादिष्ट दाल बाटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे परिवार में, बर्थडे या एनिवर्सरी में घर पर बना सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।